नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज का वीडियो मैं एक माइक्रोनिश टॉपिक की बात करूँगा, और एक ऐसा कीवर्ड है जिस पे आप टारगेट करें तो एक अच्छा छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे और अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो चलते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे पुराने वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे पूरे ब्लॉग को सेटअप करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं पहले नहीं करता था, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही चैनल की जब लाइक्स आप लोग नहीं देते हैं, तो इसलिए लाइक कीजिए ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो। और चलते हैं, देखते हैं आज का माइक्रोनिच कीवर्ड, टी एन रेजिनेट एक कीवर्ड है, और इस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी है 8, जो कि रैंक कराना ईजी है। और आप देख सकते हैं वॉल्यूम 600K का मिल रहा है, और ये इंडियन निच का कीवर्ड है। सीपीसी आप देख सकते हैं इंडियन निच में 0.45 का मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और क्लिक्स भी आप देख रहे हैं 468K का मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और सीपीएस आप देख सकते हैं 0.78 है। ऑर्गेनिक सर्च 57% है, सर्चेज विदाउट क्लिक्स 43% है, बट 57% वॉल्यूम जो होता है 600K का काफ़ी अच्छा होता है, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। और रिटर्न रेट तो काफ़ी बेहतरीन है, 7.58 है। मीन्स एक यूजर कई बार, बहुत ज़्यादा बार, नॉर्मल यूजुअल से ज़्यादा बार रिटर्न करता है, तो काफ़ी अच्छा कीवर्ड है। अब हम लोग देखते हैं कि टीएन रेजिनेट होता क्या है। टीएन रेजिनेट क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ये सब बनाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें ब्लॉग लिखने के लिए, इससे रिलेटेड एक डोमेन नेम लेंगे और उसमें आप इसके गाइडेंस के बारे में लिखेंगे कि टीएन रेजिनेट पे कैसे ये करें, कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, कैसे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप एक छोटा सा ब्लॉग बना के लिख सकते हैं और ट्रैफिक ले सकते हैं अच्छा खासा। अब मैं चलता हूँ और बताता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं और उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलता हूँ और ऑल कीवर्ड आइडियाज पे देखता हूँ। ऑल कीवर्ड आइडियाज में यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3852 कीवर्ड्स आ गए हैं, जिसमें मैं कीवर्ड डिफिकल्टी का पहले फिल्टर सेट करूंगा 15 का। इसके बाद मैं कॉस्ट पर क्लिक पे सीपीसी को सेट करूंगा आपका 0.1 डॉलर। तो यहाँ टोटल 606 कीवर्ड्स आ गए हैं। अब इन कीवर्ड्स में आप देख सकते हैं कि चेन्नई कॉरपोरेशन, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स है। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट भी इस टी एन रेजिनेट के द्वारा बनता है, तो आप देख सकते हैं इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट कीवर्ड का जो है सीपीसी 0.40 है और 90K का सर्च वॉल्यूम है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक अच्छा कीवर्ड है। ऐसे ही आप tnreginet.net लिखा है इस कीवर्ड का, देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम और 0.35 का वो सीपीसी मिल रहा है। ऐसे ही रेजिनेट सिर्फ कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, 0.35 सीपीसी है और सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं 28K का सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड इक्वलिटी अंडर 15 है, जो कि रैंक कराना ईजी है। यहाँ पे देख सकते हैं इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन 0.10 का सीपीसी मिल रहा है। ऐसे ही इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट एपी, इस कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का है। ईसी तमिलनाडु यूज कर सकते हैं, 0.15 का सीपीसी मिल रहा है। तो इस तरह आप बहुत सारे कीवर्ड्स इसमें देख सकते हैं और सभी का यूज कर सकते हैं, और काफ़ी छोटा नीचे और काफ़ी अच्छी अर्निंग होने वाली है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। तो चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड को। नेक्स्ट हैविंग सेम टर्म्स में कीवर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं ये देखते हैं। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं tnresinet.net और ये सारे बहुत सारे tnresinet पोर्टल आप देख सकते हैं। इसमें से सीवीसी नहीं मिल रहा है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी tnresinet 3.30 का है। यहाँ पे tnresinet गाइडलाइन वैल्यू ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं, 0.25 सीपीसी है। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अराउंड आपको 100 कीवर्ड्स तो मिल जाएंगे इन दोनों में से। और 100 कीवर्ड्स का यूज करके आप अच्छा खासा ट्रैफिक उठा सकते हैं और अच्छी ब्लॉग बना सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कीवर्ड्स चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कीवर्ड्स या नीच आइडियाज के साथ आऊंगा। ये आइडिया आपको आशा करता हूँ पसंद आई होगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस टीएन रेजिनेट के जो भी चीजें बनाई जाती हैं, जो भी सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, उन जो सर्विसेज हैं उनकी गाइडेंस देनी है बस। और आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं इस तरह के ब्लॉग बना के। आपको ध्यान रखना है कि जो आपको डोमेन नेम लेना है वो टी एन रेजिनेट ही रखना है। साथ में आप .com या टी एन रेजिनेट गाइडेंस गाइडलाइन या ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए और देखिए। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।